हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दीप में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बाय टाइटल आप लोगों को पता चल ही होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। आज मैं आप लोग के साथ फ्लिपकार्ट साड़ी हॉल शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो चुनरी स्पेशल होने वाली है। सावन आने वाला है तो मैंने काफी सारी ग्रीन साड़ियां मंगाई हुई हैं, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एक साड़ी पहले आ गई तो मैंने इसको पहन के दिखा और मेकअप लुक भी क्रिएट कर लिया। मेकअप आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो क्या करूं, फटाक से जाओ देख लो। मेकअप पहले आएगा, वीडियो बाद में आएगा इस साड़ी वाला, क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूं मेरा इतना प्यारा लुक रिवील हो जाए इस वीडियो में। ठीक है, तो मेकअप वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है यार, बहुत ज्यादा। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, हम बैठे थे कितने बजे, 3:30 बजे और शाम के 7 बज रहे हैं। इतना टाइम लगा मुझे लुक रिक। देखो यार, मेकअप करने में टाइम नहीं लगता, सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है पता है? लेंस लगाओ, इसके बाद आंखों में जलन होने लगती है, थोड़ा देर वेट करना पड़ता है कि सही हो जाए। फिर लेस लगाओ तो थोड़ी देर लगता है, यार आंखें इतनी वजन हो गई है, ये हो गया। फिर ज्वेलरी नहीं मिल रही है, जिस कलर की साड़ी पहने हैं ज्वेलरी नहीं मिल रही है, तो उसको सारा उलट पुलट करो, खोजो। बैंगल तो मान लो मिल जाती है, क्योंकि ये वाला कलर मैं अधिकांश पहनती रहती हूँ। तो मेकअप में सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है ना, वो लगता है प्रिपरेशन करने में। और मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मैं मेकअप कभी सोच के नहीं करती हूँ कि आज मैं यही लुक क्रिएट करूंगी। बैठती हूँ, मन में जो आता जाता है वो मैं करती जाती हूँ, तो इसके लिए ना टाइम ज्यादा लग जाता है। अगर आप सोच के बैठो कि आज हमें यही लुक करना है तो आप सारा सामान लेके बैठोगे, बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अच्छा लगा, जो माइंड में आया कि ऐसे ही करना, वही कर देती हूँ। सो ये टॉपिक थोड़ा अलग था। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो आज मैं आप लोग के साथ फ्लिपकार्ट साड़ी हॉल शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप ये वाली साड़ी देख लीजिए, इसका कलर इतना खूबसूरत है। सावन आने वाला है, सो सोचिए मत, फटाक से जाइए ऑर्डर प्लेस कीजिए। अफोर्डेबल है, आपके बजट में है, सोच के आ रहे हो। जॉर्जेट का फैब्रिक है, बहुत ही खूबसूरत। एक मिनट, इसका ब्लाउज मैं आपको दिखा दूँ। हैवी ब्लाउज है, मतलब इतना प्यारा ब्लाउज है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क हो रखा है पूरे ब्लाउज पे, इस तरीके से देखिए आप। तो मैंने ब्लाउज, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ एक ही साड़ी मुझे रिसीव हुई है, तो अभी जब सारी साड़ियाँ रिसीव होंगी तो उनका मैं बनने देने जाऊँगी, तब इसके साथ ये वाला भी बनवा लूँगी। इसीलिए मैंने ना एक मेरी साड़ी पहन ली, साड़ी का ब्लाउज पहन लिया। तो ये वाली साड़ी मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूंगी, ग्रीन कलर की। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट साड़ी की तरफ, जो कि पता है ऑरेंज एंड पिंक कलर कॉम्बिनेशन में है। और ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। इसका जो फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मैं ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ, इस थोड़ा सा यहाँ पर साइड में स्पेस छोड़ दे रही हूँ ताकि आपको लुक बुक अच्छे से दिखा पाऊँ। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप लिंक के थ्रू जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वन मोर थिंग गाइस, कि कोई पेड़ है स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद के पैसों से सारे जो जितनी भी साड़ियाँ देख रहे हो ना, सब कुछ मैंने खुद के पैसों से मंगाया हुआ है। तो काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं कि झूठ बोलते हो, ब्रांड आपको देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। इतनी गर्मी लग रही है, पता दो एसी रूम में चल रही है, बट बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। मैं पूरा भीग गई हूँ, इतनी गर्मी लग रही है, क्योंकि काफ़ी सारी लाइटें चल रही थी। किसी ने मुझसे पिछले वीडियो में कहा कि आप ना कोई भी लाइट मत यूज करो, सनलाइट में वीडियो बनाओ। सो सनलाइट में इस टाइम बाप रे, कतई नहीं, ठंडियाँ आने दो, मैं सनलाइट का ही यूज करूंगी। अभी तो ऐसा होता है कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब वीडियो बनाना है, अभी ऐसा होता है। तो लाइट नहीं यूज करेंगे फिर क्वालिटी कैसी रहेगी, ये बताओ। तो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट साड़ी की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके की है। काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, इसका फैब्रिक तो मुझे नहीं पता कौन सा है। अगर आपको फैब्रिक डिटेल जाननी है ना, तो जो लिंक मैंने दिया हुआ है उस लिंक के थ्रू जाइएगा एंड वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि कौन सा फैब्रिक है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ना प्रोडक्ट क्वालिटी बता रही हूँ कि कैसी है, मैं मुझे फैब्रिक का इतना अंदाज़ा नहीं है। सो ये हो गया हमारा, आई थिंक 1/3 साड़ी थी ना। अब बढ़ते हैं हमारी फोर्थ साड़ी की तरफ। तो ये साड़ी भी मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूंगी। इसका जो फैब्रिक है जॉर्जेट का है, और अगर आपकी शादी होने वाली है, जुलाई आने वाली है, तो शादी का सीजन स्टार्ट होने वाला है इस बार। तो भैया कितने सारे लोग गाली दिए होंगे कि इस बार जो है शादी का मुहूर्त ही नहीं था, इतना सन्नाटा मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि मई जून चला गया, शादी ही नहीं हुई। पता नहीं कैसे इंस्टाग्राम पे मैं देख रही हूँ शादी की वीडियोस आ रही हैं, और यहाँ हम लोगों के यहाँ तो सन्नाटा छाया हुआ है। और शुक्र कुछ ऐसा होता है ना, शुक्र डूबना, तो उसमें शादी नहीं होती है। और कितने सारे लोग
गाली दिए होंगे कि यार ये सुपर डूब गया, मेरी शादी नहीं हो पाई, कितने सारे लोग एक्साइटेड रहते अपनी शादी को लेकर। बट कोई नहीं, जुलाई आने वाली है तो शादी सीजन स्टार्ट होने वाला है। इस बार जुलाई में मुहूर्त है, इसके बाद फिर बंद हो जाएगा, फिर देखो कब होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जुलाई में है इतना मुझे पता है। तो ये वाली साड़ी आप ज़रूर ले लीजिएगा अगर आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि इसका जो कलर है, आप येलो कलर देखिए, बहुत ही ज़्यादा हटके है, येलो में ऑरेंज कलर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। स्क्रीन पे मैं पूरा लुक लगा रही हूँ, आज तो मैं आप लोगों से इतना कम बात कर रही हूँ, लुक मैं कैसे दिखाऊंगी, मैं बस साड़ी दिखाती जा रही हूँ। कम से कम एक मिनट की क्लिप तो होनी ही चाहिए ताकि एक मिनट में आप लोगों को अच्छे से साड़ी दिखा पाऊँ। आज मैं कम बात करी हूँ, क्या बात करूँ, मुझे समझ ही नहीं आता क्या ही बात करना। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप साड़ी दिखाते कम हो, बातें ज़्यादा करते हो, तो ये बताओ अगर मैं बातें नहीं करूँगी तो साड़ी दिखाऊंगी कैसे। मैं आप लोगों को अच्छे से लुक दिखाने के लिए आप लोगों से इतनी बात करती हूँ। अब बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट साड़ी की तरफ। एक काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, गर्मी के लिए बेस्ट है, कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई भी लेस वगैरह नहीं लगी हुई है, प्रॉपर चुनरी इसे ही बोलते हैं हमारे गाँव में। सो इसमें कोई भी लेस नहीं है, बट इसका जो फैब्रिक है, ओह माय गॉड, सच बता रही हूँ, इसमें तो मैं काफी ज्यादा खूबसूरत लगने वाली हूँ, क्योंकि ये फैब्रिक ऐसा है ना कि एकदम बॉडी को ना हग कर लेता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा फैब्रिक है इसका। और फैब्रिक नेम मुझे नहीं पता है, बस इतना बता दे रही हूँ कि फैब्रिक इसका बहुत ही अच्छा है, एकदम सॉफ्ट वाला नहीं होता है वही है। और इसका जो कलर है ब्लू है, इसमें व्हाइट एंड येलो कलर शेड डिज़ाइन हो रखी है, रेड है, इस तरीके से कुछ कलर कॉम्बिनेशन है। पहन के तो मैं आप लोगों को दिखा ही रही हूँ, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। एक्चुअली हमारी आरती जी हमारा वेट कर रही हैं कि कब भाभी का वीडियो ख़त्म हो और हम आगे का काम करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 3 बजे से बैठी थी कि आरती के आने से पहले मैं सारा जो है अपना वीडियो फिनिश कर लूँगी, बट छोटी सी बच्ची है, 2 से 3 बार उठना पड़ता है उसको फीड कराने के लिए, तो इसी में जो है दिक्कत बढ़ती जाती है कि यार टाइम कब बीत जाता है, इतना टाइम हो गया। तो कोई नहीं, अब करते हैं इस वीडियो का एंड। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप लिंक के थ्रू जाके ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा। दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू। और हाँ, लाइक करके जाना, ओके, बाय।